अपने कारनामों से आए दिन सुर्खियों में छाए रहने वाले आरटीओ दफ्तर अब आउटसोर्सिंग के जरिए रखे गए अपने चहेते के कारण सुर्खियां बटोर रहा है, जिसके इशारे पर सुविधा शुल्क को लेकर ड्राइविंग लाइसेंस के पास फेल का खेल होता है। बताते चले कि पूर्व में बने मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन अपडेट करने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग की है, पर वह भी सुविधा शुल्क के चलते नहीं हो पा रही है। ऐसे में समय सीमा पार किए हुए लाइसेंस के रिन्यूअल की ऑनलाइन फीस नहीं कट पा रही है, जिस कारण मजबूरी में वाहन चालक नए सिरे से ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने पर मजबूर हो रहे हैं। सुनने में आता है कि आउटसोर्सिंग के जरिए रखे गए चहेते युवक द्वारा मैनुअल लाइसेंस को नेट पर अपडेट करने का कार्य अधिक सुविधा शुल्क की मांग के चलते ठप पड़ गया है। ऐसे में वाहन चालक मजबूरी में नए लाइसेंस को बनवाने की प्रक्रिया से जूझ रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल घर बैठे लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया का भी चल रहा है। यदि आप ऑनलाइन परीक्षा को घर बैठे पास कर लेते हैं तो भी फॉयलेंस दिखाकर फेल कर दिया जाता है। जिसने आकर सुविधा शुल्क का चढ़ावा चढ़ा दिया तो उसका लाइसेंस पास कर दिया जाता है। यूं समझिए कि आउटसोर्सिंग के जरिए से रखे गए चहेते कारखास की बदौलत ड्राइविंग लाइसेंस के पास फेल करने का चलता है खेल, जिसमें जिम्मेदार अधिकारी बाबू की भूमिका रहती है नदारद। CEN न्यूज की रिपोर्ट जौनपुर से। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।